सो गाइस यू ऑल नो इस कार से हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि ये कार हमारे को 5-star रेटिंग के साथ मिलेगी। मारुति सुजुकी से जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी मारुति सुजुकी ने हमें वैसा ही डिलीवर किया है। हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस दिसंबर जाते जाते हमारे पास ग्लोबल एनकैप की लेटेस्ट रेटिंग आ गई है। तो इस बार ग्लोबल एनकैप में 4 गाड़ियाँ गई थी, जिसमें से एक महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड 3 गाड़ियाँ मारुति की थी। एंड एज एक्सपेक्टेड इन गाड़ियों से जितनी एक्सपेक्टेशन थी इन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया है। तो बात करें महिंद्रा की, तो महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो एन को ग्लोबल एनकैप रेस रेटिंग के लिए भेजा गया था। एंड बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इस कार ने 29.25 स्कोर किया है इन एडल्ट सेफ्टी रेटिंग, एंड इन चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग इन्होंने स्कोर किया है 28.93। तो ये कार एडल्ट में 5-star रेटिंग के साथ आई है, और वहीं इसे चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 3-star मिले हैं। सो गाइज वी ऑल नो इस कार से हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि ये कार हमारे को 5-star रेटिंग के साथ मिलेगी, और इस कार ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया है। तो बात करें मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी ने भी हमें बिल्कुल निराश नहीं किया है। मारुति सुजुकी से जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी मारुति सुजुकी ने हमें वैसा ही डिलीवर किया है, गजब बेइज्जती है। तो बात करें मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी कभी भी अपनी तरफ से कार को ग्लोबल एनकैप रेटिंग में नहीं भेजती है। मारुति का कहना है कि अगर आपको हमारी कार की ग्लोबल एनकैप रेटिंग करनी है तो आप उनको खरीद के कर सकते हैं। तो इस बार जिन 3 कार्स की ग्लोबल एनकैप रेटिंग हुई है मारुति की, वो है एस्प्रेसो, स्विफ्ट एंड इग्निस। तो बात करें इनकी परफॉर्मेंसेस की, तो एस्प्रेसो ने स्कोर किया है 20.03 इन एडल्ट सेफ्टी रेटिंग, और वहीं इसे चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 3.52 मिले हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मारुति सेकंड कार। सो सेकंड कार है स्विफ्ट। तो अगर स्विफ्ट की परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो स्विफ्ट ने स्कोर किया है 19.19 इन एडल्ट सेफ्टी रेटिंग, वहीं स्विफ्ट को 16.68 मिले हैं चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कार से पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी, और इस कार को पर्सनली मैंने यूज़ भी किया हुआ है। तो ये है मारुति सुजुकी की इग्निस। मारुति सुजुकी इग्निस की परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो इस कार ने स्कोर किया है 16.48 इन एडल्ट सेफ्टी रेटिंग एंड 3.86 इन चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग। अगर आप तीनों गाड़ियों को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे कम स्कोर जो मिला है वो मारुति इग्निस को मिला है। एंड गाइज यही बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। अगर आपने मारुति इग्निस कार चलाई हो या आपने मारुति इग्निस कार यूज़ करी हो, तो यार इस कार को देख के कहीं से भी आपको वो फील नहीं आएगी कि ये कार 0-star लाएगी। बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस और जितने लोगों के पास भी ये मारुति इग्निस हो गई, उन सबकी एक्सपेक्टेशन इस कार से बहुत ज़्यादा थी। अगर आप इसको कंपेयर करें मारुति की और कार से, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। बट स्टिल अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने के बाद भी इस कार को 0-star मिले हैं, दैट्स वेरी शॉकिंग। तो गाइस पता नहीं मारुति कब अपनी कार में सेफ्टी को लेकर इम्प्रूवमेंट करेगा। वी आर होपिंग कि मारुति इस बारे में सोचे, बिकॉज हर कस्टमर के लिए सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है आजकल। तो मारुति को इस बारे में सोचना चाहिए और अपनी कार को थोड़ा और सेफ बनाना चाहिए, बिकॉज एक अच्छे इंजन के साथ सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।